खम्मा घणिसा, आप सभी का स्वागत है हमारी उदयपुर सीरीज में। मेरा नाम किंजल है और हम इस चैनल पर बनाते हैं ट्रैवल और फूड वीडियोस। तो अभी तक आपने उदयपुर के पैलेसेस देखे, उदयपुर के लेक्स देखे, उदयपुर का फूड देखा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे कुछ स्ट्रीट्स में उदयपुर के, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से और अफोर्डेबल रेट्स में शॉपिंग कर सकते हो। तो चलिए, हमने शॉपिंग की शुरुआत की है मेवार आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट हाउस से। ये आता है उदयपुर के यूआईटी सर्कल पर और इसका सबसे अच्छा बात यह है कि ये एनजीओ रन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी आपको चीज़ें मिलती है वो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई है। तो जो भी इसका बेनिफिट है वो उनको मिलता है और यहाँ पर इसके लिए कोई भी बार्गेनिंग नहीं होता और जो रेट्स है सारे वो काफ़ी रीजनेबल है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें बाय करती हूँ। ये 1850 का है और ये वाला एक यहाँ का स्पेशल रसबारा प्रिंट, ये वाला 2250 का है। हाई डिग्री टेम्परेचर पे हीट करके लिक्विड बना के इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, जो कपड़े के साथ ये मेल्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअल सिल्वर है? ये इसको लाइट सिल्वर नहीं है, जिंक है। हाँ, मतलब सिल्वर जो होता है काला हो जाता है, जिंक कभी काला नहीं होता। मतलब आपके यहाँ से 900 से लेके 3200 तक का रजाई है। हमारा उदयपुर आने का प्लान हुआ था तो कुछ चीज़ें मैं माइंड में लेकर आई थी कि ये चीज़ें मुझे लेनी है। तो उसमें से एक था क्विल्ट। तो मुंबई में और नाशिक में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है और नाशिक में आप सभी को पता है कि काफ़ी ठंड भी होती है। यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में क्विल्ट मिल रहे हैं। इनका 950 से स्टार्ट होता है और जो हाइएस्ट रेंज है वो 14000 तक जाता है। तो इतना तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये 950 वाला जो है इसका मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो गर्मी में भी मतलब अच्छा है और ठंडी के लिए भी अच्छा है, तो मैं ये वाला मैंने सिलेक्ट किया है। और मैं ये दो सिंगल रजाइयाँ ले रही हूँ। एक सिंगल रजाई का कॉस्ट है 950। अच्छा, इसका कलर नहीं जाएगा? कलर नहीं जाएगा, हम लोग ज़्यादातर बेडशीट व्हाइट बैकग्राउंड पे बनाते हैं क्योंकि कलर की गारंटी होती है। एक ये यहाँ का ट्रेडिशनल प्रिंट, जंगल का जो प्रिंट आता है ना, हाँ, वो ये वाला प्रिंट बनाया हुआ इसके ऊपर ना। ये यहाँ का ट्रेडिशनल प्रिंट है। तो इसमें कलर आते हैं कि सिर्फ पीला कलर ही है? इसमें एक्चुअली अभी यही कलर है, बाकी एक ग्रीन कलर भी आता है। एक ये होता है एलिफेंट फॉर गुड लक, हॉर्स फॉर पावर और कैमल फॉर लव, थ्री सिंबल ऑफ राजस्थान। ये एलिफेंट का डिजाइन होता है गुड लक। इसका के 800 रुपए वाला है? 800 का है? ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये 1650 रुपए का। अच्छा अच्छा, पूरा हैंड वर्क है। कैसा, मतलब ब्लॉक प्रिंट होता है ये सारा? ब्लॉक प्रिंटिंग है, लेकिन ऐसा ओरिजिनल बेड कवर आता है। हाँ। उसका रेप्लिका तैयार किया हम लोगों ने। और इसका 1800 हाथी है और गुड लक। ये होता है यहाँ का सबसे स्पेशल महारानी साड़ी। मटेरियल इसका ऐसा होता है, थोड़ा सा हेल्दी लेडीज भी पहनने से स्लिम एंड टॉल गेटअप देगा, जैसा भी अपना बॉडी का शेप होता है ना वैसा प्रॉपर फॉल करता है। तो फॉल के लिए दिस इज द बेस्ट फैब्रिक। क्या कॉस्ट है इसका? ये वाला 1850। ये जो केले का जो पेड़ होता है ना, जो उससे बनता है, ये ऑर्गेनिक बिना धागे का नेचुरल फाइबर का अहिंसावादी सिल्क। जो रोल प्रेस कराना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम आइनिंग कंप्लीट लेंथ एंड विड्थ, उसके बाद स्टिचिंग हो जाएगा दीदी। ये इसका बॉटम है, मतलब स्टिच करने से पहले रोल प्रेस करना पड़ेगा। हाँ, वो तो टेलर करेगा दीदी, वो भी ऐसे तो बांधेगा नहीं, ये बनता भी नहीं ऐसे। ये देखिए, ये अभी खुल जाएगा ऐसे। हाँ। ये बांधनी है, इसको खोलने का तरीका ऐसे हम खोल के दे देंगे आपको, ताकि आपको वहाँ मेहनत नहीं करना पड़े। ये सारे टाई खुल जाएंगे दीदी, तो अंदर से पूरा बांधी निकलेगा। तो आपके यहाँ पे ये जो है बांधनी है जी, वो कितने से स्टार्ट होता है ड्रेस मटेरियल? 850 दीदी। 850 से स्टार्ट हो, और कितना हाईएस्ट कितना है? मेरे पास 32500। 32500, 32000 का है? कौन सा है? 32000 का? 32000 का एक सूट लेके आओ, दिखाओ दीदी को। एक गजी भी लेके आना, गढ़चोला। ये दीदी हमारे यहाँ एक गेस्ट आया था लॉकडाउन के जस्ट बाद दीदी, एक जून के अंदर कंगना राना बताए थे मैम, तो वो क्या है उदयपुर विजिट पे थे, उनको अचानक सीना जी मंदिर जाने का एक प्रोग्राम बन गया जी। तो क्या वो मनीष मल्होत्रा का एक ड्रेस लेके आए दीदी साथ में, हमने उनको वन डे में बना के दिया दीदी। ये चीज़ आप इंस्टाग्राम पे उनका फोटो देख सकते हैं दी, रेड कलर का, रेड एंड येलो कलर का सूट पहन रखा है उन्होंने। ये हमारे यहाँ का स्पेशल गजी सिल्क है दीदी, गढ़चोला पूरा रियल जरिए है दीदी। ये आपको 18500 का सूट है दीदी। ये 32000 वाला है? ये दीदी 32500 का सूट है।
ये रियल जरी का आएगा दीदी, और प्योर चिनोन क्रेप फैब्रिक रहेगा। ये इसकी शलवार है दीदी प्लेन, और ये इसका दुपट्टा रहेगा। इसमें आपको 4 से 5 कलर आते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है बांधनी 850 से बांधनी का सूट, और ये है 32,500 का बांधनी का सूट। इसमें जो फ़र्क है वो कपड़े से लेके जो काम किया हुआ है, हैंडवर्क किया हुआ है, उसका फ़र्क है, और जो जरी भी यूज़ की है वो एक्चुअल रियल जरी है। फैब्रिक दीदी क्या है ना, राजस्थान में नहीं बनता है। राजस्थान में अगर बनता है तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ भीलवाड़ा दीदी। हाँ, भीलवाड़ा। बाकी क्या दीदी, सारा फैब्रिक है ना हमारा बाहर से आता है। ये क्या था, गजी सिल्क। गजी सिल्क पे दीदी ये कुर्ता रहेगा। ये अजरक प्रिंट बोलते हैं इसको दीदी, अजरक प्रिंट, अजरक 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 उसको बोलते हैं। स्टोन जो होता है ना दीदी, हाँ। उनको कटिंग और पॉलिश करते हैं दीदी, उसका जो रश बचता है दीदी, उससे इसको ड्राई किया जाता है। और ये इसका दीदी शलवार है बांधनी का गजी सिल्क पे, और ये इसका दीदी दुपट्टा रहेगा। ये देखिए, ये आपको 14,500 का है। सो यहाँ से हम लोगों ने टोटल 10,000 का शॉपिंग किया, और एवरी सिंगल चीज़ जो हमने ली वो पूरी वर्थ इट थी। स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि जो क्विल्ट्स है और जो बेडशीट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि एकदम ही ऑथेंटिक है। उसका जो कॉटन भी यूज़ किया वो काफ़ी अच्छा है। यही क्विल्ट अगर हम लोग एक क्विल्ट लेने जाएंगे मुंबई में तो लगभग आपको 2,500 में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली होता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें देख के। और एक ही, अगर आपके पास टाइम कम है यहाँ पे उदयपुर में और आपको शॉपिंग करना है ना, तो ये आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक ही शॉप से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कपड़े, बेडशीट, फिर ज्वेलरी मिलता है आपको, पेंटिंग्स मिलती है, शू मोजड़ियाँ मिलती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक जगह से ही मिल जाएगी। सो गाइस, अभी हम आए हैं बापू बाज़ार में। ये काफ़ी फेमस मार्केट है उदयपुर का, और यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप कपड़े खरीद सकते हो, ज्वेलरी खरीद सकते हो, और ऑथेंटिक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी खरीद सकते हो। एक होती है नॉर्मल जो हमें लोकल शॉप्स में मिलती है, जिसका क्वालिटी बहुत ही लो होता है, जिसे कहा जाता है ऑक्सीडाइज, बट वो एक्चुअली ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसे सिर्फ लुक दिया जाता है, तो वो काफ़ी सस्ते में मिलती है। बट मैंने सोचा अगर मैं उदयपुर आई हूँ तो मैं ऑथेंटिक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लूँ, तो यहाँ पे ऑथेंटिक ऑक्सीडाइज आपको काफ़ी सारे शॉप्स में मिलेगा बापू बाज़ार में। तो मैंने उसमें से एक चोकर लिया है, वो आया है मेरा 2,500 में, जिसमें इयररिंग्स भी है और वो चोकर भी, और उसका लुक बहुत सही है। तो गाइस, यहाँ पे बापू बाज़ार में ना मुझे ज्वेलरी के अलावा ऐसा जैसा कोई ऑथेंटिक चीज़ों का शॉप्स नहीं दिख रहा। शॉप्स काफ़ी सारे हैं, बट बैग्स मिल रहा है, फिर विंटर वेयर मिल रहा है, नॉर्मल कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसे स्किप कर सकते हो अगर आप राजस्थानी ऐसे ऑथेंटिक कपड़े देखना चाहते हो, या फिर बाकी की सारी चीज़ें यानी कि जूती वगैरह देखना चाहते हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत कम दिख रही है मुझे। सो गाइज, अभी हम बापू बाज़ार से डायरेक्टली आए हैं हाथी पोल। हाथी पोल ये बेसिकली ओल्ड उदयपुर सिटी का एक मार्केट है, बापू बाज़ार जैसा ही। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स मुझे दिख रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। और जैसे हमारे साथ जो ड्राइवर है जो हमें घुमा रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे टोटल 12 गेट्स थे, हर एक गेट का अलग अलग नाम था, जैसे हाथी पोल, किशन पोल, सूरज पोल, तो ये सारे ओल्ड उदयपुर सिटी के गेट्स थे। यहाँ पे देख सकते हो शॉप जो है वो एकदम छोटे छोटे और फुल ऐसे ओल्ड टाइम्स के, हाँ, शॉप्स हैं। तो गाइस, अभी शॉपिंग करते करते हम लोग गनगोर घाट पहुँचे, और वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा बुटीक दिखा जिसका नाम है गनगोर बुटीक। और यहाँ पे स्पेशली उनके कफ्तान जो है वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही डिज़ाइन करते हैं। ये मैंने अभी जस्ट बाय किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैं जीन्स के ऊपर भी डाल सकती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी फुल साइज़ वाले कफ्तान भी है, और आजकल कफ्तान का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर वैरायटी काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम गनगोर घाट से हाथीपुल की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड उदयपुर सिटी की गलियों से होके। और यहाँ पे एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है, किसी भी घर में शादी होती है तो वहाँ पे ऐसी पेंटिंग की जाती है जो आपको मेरे पीछे यहाँ पर दिख रही है, और वो देखने में बहुत कलरफुल और बहुत ही वाइब्रेंट लगता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं घर पर जाके अपने घर पर ये पेंट करूँ।
एक्चुअली मैं पर्सेस देखने आए थे तो मुझे यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट दिखा, तो उन्होंने बताया कि ये बाम्बू से बना हुआ है, हैंड क्राफ्टेड है और ये सिर्फ उदयपुर में ऐसा बनता है यहाँ पे इंडिया में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें शेप्स है, स्क्वायर है, राउंड है, तो मुझे स्क्वायर काफ़ी अच्छा लगा। है इसका 750। अच्छा गाइस, हाथी फोल्ड में जय अम्बे कलेक्शन करके बैग्स का शॉप है, वहाँ से मैंने 3 बैग्स खरीदे। राउंड इंडिगो कलर का मैंने एक बैग खरीदा है, काफ़ी प्रिटी है ये, और ऐसे स्लिंग की तरह अगर किसी ड्रेस पे वगैरह लिया तो काफ़ी अच्छा दिखेगा कैजुअल्स पे। ये छोटा पर्स जो कि ट्रेडिशनल कपड़ों में काफ़ी अच्छे से जाएगा, और ये एक मैंने लिया है बाम्बू का बैग। तो ऐसे किसी एक्जॉटिक लोकेशन पे एक्जॉटिक क्लोथ्स पहने रहेंगे उस पर ऐसे वाले बैग्स बहुत अच्छे दिखेंगे, तो मैंने ये एक लिया। सो गाइस, हमने हमारी शॉपिंग एंड की है मेरे लिए एक ड्रेस लेके। ये हैंडलूम सिल्क वाला ड्रेस है बांधनी का, और इसे मैंने स्टिच करने दिया है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो लोग क्विकली 1 या 2 दिन में ही पूरा ड्रेस स्टिच करके देते हैं, और मुझे एक्चुअली कल बाहर जाना है, चित्तौड़गढ़ हम जाने वाले, तो मुझे वहाँ पर वो ड्रेस डालना था, तो उन्होंने थैंकफुली उन्होंने एग्री किया और आज रात को ही पूरा स्टिच करके देने वाले, जो बहुत अच्छी बात है। ये ड्रेस मैंने लिया है 5500 में। इसके साथ मैंने दुपट्टा लिया जिसका कॉस्ट है 1200 रुपीज़, और इससे ड्रेस को स्टिच करने का वो कॉस्टिंग लेते हैं 1500 रुपीज़, और वो लोग अगर आप यहाँ से स्टिच कराते हो तो वो आपके होटल में भी आपको डिलीवर करा देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस शॉप का नाम है रामा कृष्णा टेक्सटाइल। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि साड़ी है, ड्रेस मटेरियल्स, बेडशीट्स और जैकेट्स वगैरह भी मिलते हैं, जो आप कस्टमाइज भी करा सकते हो। और ये सहेलियों की बाड़ी के बिल्कुल पास में है, और पंडित लेमन टी करके यहाँ पे शॉप है, फेमस चाय का शॉप है, उसके सामने भी। तो गाइज, वी आर डन विद द शॉपिंग। जब भी राजस्थान के ट्रिप में आती हूँ ना, तो मेरा मन भरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें शॉपिंग करने के लिए, मतलब पूछो ही मत, बट रोकना पड़ेगा खुद को, क्योंकि आज खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गाइज, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया रहेगा, अगर किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितने भी ये शॉप्स में मैंने शॉपिंग की है, उसका गूगल पिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी, तो आप यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हो। बाय वॉन्ड्रेस।